नमस्कार, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं निजता की। निजता जो कि आज़ादी का ही एक छोटा सा हिस्सा है, थोड़ा सिकुड़ा हुआ दायरा है, लेकिन अपनी आज़ादी किसे प्यारी नहीं होती। वैसे ये आज़ादी, अपनी आज़ादी की अगर हम बात करें तो कोई नई बात नहीं है, हमेशा से रही है, लेकिन अब इसका शोर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है और इस बारे में हमारे सभी साथियों ने खूब ढेर सारे विचार, अपने अपने विचार हमें बताए हैं। तो चलिए उन विचारों के साथ आज के इस कार्यक्रम का सफर तय करते हैं और आज हम कुछ ऐसे गाने सुनेंगे जिसमें थोड़े अपने अपने की बात हो, थोड़ा ऐसी बात हो जिसमें थोड़ा स्वार्थ या थोड़ी कुछ ऐसी बातें हों जो जिंदगी से जुड़ी हों। कुछ ऐसे गानों का ख्याल अगर आपको आ रहा हो तो हमें सुझाइएगा। हमारे एक साथी ने लिखा है कि निजता का अधिकार, ये राइट टू प्राइवेसी है। यहाँ निजता या प्राइवेसी का सीधा मतलब है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी अन्य का दखल ना होना। ये हर व्यक्ति को संविधान की तरफ से अधिकार मिला हुआ है। इसके मुताबिक आपकी या हमारी जिंदगी में कुछ प्राइवेसी है, उसमें कोई और अन्य दखल नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है। एक और साथी कहते हैं कि निजता यानी स्वतंत्रता, आजादी का होना अच्छा भी है और यही निजता स्वच्छंदता में परिवर्तित हो जाए तो श्राप है। ये भी बात बिल्कुल सही है। एक और साथी ने कहा है कि निजता, उन्होंने भी यही कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको मान्यता दी गई है और बरकरार रखा गया है और एक ये बुनियादी मानव अधिकार है। बातें तो सभी सही हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन इन बातों के बीच में अगर हम निजता की बात करें जो कई बार छोटे छोटे घरों में या बच्चों के मुँह से सुनाई देती है, तब कैसा लगता है। चलिए इस बारे में अपने विचार हमसे साझा करिए। हम इस गाने से शुरुआत कर रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गाना है। अपने अपने से लगे हमें, अपने अपने से लगे हमें, जब देखा पहली बार तुम्हें इन बाहों में भर के चाहा, जी भर के कर ले प्यार तुम्हें। अपने अपने से लगे हमें, जब देखा पहली बार तुम्हें, चुपके चुपके दिल ही दिल में हम करते रहे प्यार तुम्हें। अपने अपने
इन बाहों में भर के चाह, जी भर के कर ले प्यार तुम्हें अपने अपने। जब आप हमारे साथियों के आ गए, टाइटल गीत है यही फिल्म है यानी अपने अपने, और हमारे एक साथी ने मुख्य कलाकारों के नाम भी बताए, जितेंद्र और रेखा। बहुत सारे जवाब आए, बहुत बहुत शुक्रिया साथ साथ जुड़े रहने के लिए और जवाब देते रहने के लिए। एक संदेश है, आज के समय में निजता या प्राइवेसी शब्द का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। फ्लैट संस्कृति में परिवार का हर सदस्य प्राइवेसी चाहता है, हर किसी को अपना कमरा चाहिए। बड़ा घर लेने की इच्छा रखने वाले इस आधार पर नहीं ढूंढते कि माता पिता साथ रहते हैं या आते जाते रहते हैं, इसलिए चाहिए, बल्कि ये दलील देते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी प्राइवेसी चाहिए। अपनी निजता का सभी को ख्याल रहता है और रहना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। माता पिता और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन गैप इसी कारण हो रहा है। बच्चों के मोबाइल भी इसी निजता के नाम पर लॉक रहते हैं, जो अनदेखे खतरे का सूचक है। ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। ऐसी ही कुछ बातें याद आ रही हो तो हमारे साथ साझा कीजिए www.facebook.com/bbsmumbai पर। अब अगला गाना, इस गाने को सुनकर बताइए कि फिल्म कौन सी है और इस फिल्म में अभिनेत्री की भूमिका किन्होंने निभाई है। दुनिया के डर से कोई बोली बोली
अपने रसिया से अपने बलमा से नैना लड़ेबे हमार कोई। अर्धांगिनी फिल्म का गाना है। हमारे साथियों के जवाब आए, हमने अभिनेत्री का नाम पूछा था मीना कुमारी, साथ में हमारे साथियों ने अभिनेता का नाम भी बताया, राजकुमार ने इस फिल्म में उनके साथ भूमिका निभाई थी। बहुत खूब। अगला एक संदेश नजर आ रहा है, निजता व्यक्तिगत स्वायत्तता गरिमा और स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाती है। व्यक्तिगत संबंधों के साथ साथ विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देती है, जो रिश्ते में एक तरह की सुरक्षा का भाव भी पैदा करते हुए अपने दैनिक जीवनचर्या में कुछ हद तक स्वतंत्रता की अनुभूति प्रदान करता है। निजता आत्मनिर्णय की परिचायक भी बन सकती है। एक और संदेश में कहा गया है कि हर मनुष्य निजता चाहता है या एकाकीपन, इन्होंने निजता का मतलब एकाकीपन से लिया है, जिससे वो स्वतंत्र रूप से आजाद होकर अपने विचारों को आयाम दे सके, अपने हर काम स्वतंत्र होकर कर सके। हर समय किसी दूसरे की दखलंदाजी पसंद नहीं आती, एकांत में हर समस्या सुलझ जाती है। और एक और संदेश में कहा गया है कि प्रवेशी एक हद तक सही है, ज्यादा निजता अकेलेपन और एकाकीपन को जन्म देती है। गए जमाने में सामूहिकता ज्यादा थी तो मानसिक अवसाद और बीमारियां दूर रहते थे। और एक और संदेश है कि मैं आपसे एक राज की बात करूं, मुझे जो काम अच्छा लगता है वो मैं किसी के साथ से अकेले अच्छे से कर सकती हूं, जैसे खाना बनाना या विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रोग्राम सुनना, मुझे निजता से ही अच्छा लगता है, किसी की दखलंदाजी मुझे पसंद नहीं है। और एक और संदेश में कहा गया है, निजता तो जीवन में जरूरी भी है और नहीं भी है, अलग अलग परिस्थितियों में इन बातों का महत्व समझ आता है। कुछ बातों में निजता जरूरी हो जाती है, जो हम अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं या हम किसी की राय नहीं लेना सही नहीं समझते। जहां निजता नहीं देखी जाती, वहां हमारे पास बहुत से लोग भी होते हैं जो हमें अलग अलग तरह की राय से अवगत कराते हैं। तो निजता के अलग अलग रंग आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं और हम आपके साथ गीतों का सफर तय कर रहे हैं। चलिए ये गाना सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है। रातों
का दीपक बना ले मुझे, ये सुलगती हुई शाम जल जाए। अपनी होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। पास तो आ, ये दिन मर जाने का है। ओ, ये दिन कुछ खोने का है, ये दिन कुछ पाने का है। पास तो आ, ये दिन मर जाने का है, ये दिन कुछ खोने का है, ये दिन कुछ पाने का है। मौसम ये रूठने मनाने का है। अपने दामन की खुशबू बना ले मुझे, दिल के सोने में कोई फूल खिल जाए। आरज़ू तो हमारी भी है ये, मगर डर है मौसम कहीं ना बदल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। हमारे साथियों के जवाब फौरन आए। गैम्बलर फिल्म का गाना है, देवानंद और जाहिदा ने इसमें प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। और हमारे साथियों ने यह भी बता दिया कि नीरज का लिखा गीत है और संगीत सचिन देव बर्मन का है। एक संदेश नजर आया है, लिखा है कि आजकल ये शब्द ज्यादा सुना जा रहा है। पहले सब मिलजुल के रहना चाहते थे, लेकिन आज सबको प्रिवेसी चाहिए। छोटा बच्चा भी ये कहते सुना जा रहा है, प्लीज लीव मी अलोन। हाँ, ये तो है कि आजकल प्रिवेसी का बोलबाला तो चारों तरफ है, और प्रिवेसी की वजह से कई बातें छूट भी जाती हैं और कई बातें हो भी जाती हैं। एक साथी ने लिखा है कि आजकल आपसी रिश्ते बिखर रहे हैं, संयुक्त परिवार तेजी से टूट रहे हैं, तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर इंसान प्राइवेसी चाह रहा है। वो अकेले में बैठकर किस तनाव से गुजर रहा है औरों को मालूम नहीं। अधिक से अधिक समय मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट पर बिताने पर यह किसी को पता नहीं होता कि बच्चा हो या बड़ा गेम खेल रहा है या कोई जरूरी काम कर रहा है, क्योंकि अन्य को हिदायत मिली होती है व्यवधान ना डाले। विकट परिस्थितियों के बावजूद भी आजकल हर इंसान अकेला रहना चाह रहा है। एक और संदेश में कहा गया है कि निजता जरूरी है, पर कुछ हद तक ही। आज निजता के नाम पर संबंधों में दरार पड़नी शुरू हो गई है। कभी कभी ज्यादा निजता के चक्कर में इंसान अकेलेपन का शिकार हो जाता है। कुछ बातों को की बात करो तो निजता से सामूहिकता अच्छी होती है। और एक और संदेश है कि मानव विकास के लिए निजता का होना जरूरी है, ताकि हम अपने और समाज का विकास कर सकें। अनावश्यक हस्तक्षेप से अवरोध उत्पन्न होता है और सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। घरों में कमरे में कुछ समय के लिए अकेले रहना पसंद करते हैं, ताकि हम पूरी आज़ादी से अपने काम कर सकें। अब तो मोबाइल और कंप्यूटर का जमाना है, तो निजता जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, इन मामलों में तो निजता बेहद जरूरी है, लेकिन बहुत से मामलों में ये निजता खटकती भी है। कुछ याद आ रहा हो तो हमें बताइए www.facebook.com/vbsmumbai पर। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में हम आज निजता की बात कर रहे हैं, और अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये किसकी आवाज है और फिल्म कौन सी है। कौन अपना कौन पराया, कौन पराया। दुनिया का ये भेद अभी तक कोई समझ नहीं पाया। कौन अपना कौन पराया, कौन अपना कौन पराया। नैया में सभी हैं राही एक मंजिल के, इन्हीं में मन के मीत मिलेंगे, इन्हीं में दुश्मन
जान दिल के किसी के दिल में भरी है नफरत किसी में प्यार की माया कौन अपना कौन पराया कौन अपना कौन पराया जाते हैं कभी कभी जीवन में खुशी की लहरें भी उठती हैं किसी के दुखिया मन में कभी किसी ने खोया जग में कभी किसी ने पाया कौन अपना कौन पराया कौन अपना कौन पराया कोई मूरख बन के बेगाना अपनों को ठुकराए कोई किसी की खुशी के कारण रास्ते से हट जाए कोई किनारा छोड़ के ढूंढे तूफानों का साया कौन अपना कौन पराया। फिल्म का नाम हमारे साथियों ने बताया कौन अपना कौन पराया। मोहम्मद रफी साहब की आवाज, शकील बदायूनी का लिखा हुआ गीत और रवि का संगीत। पूरा विस्तार से इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक संदेश है, प्राइवेसी के बारे में जानना हो तो आज से 30-35 साल पहले जिनकी शादियां हुई हैं उनसे पूछिए। अगर आप अपने रूम में आधा घंटा भी बैठ गए तो ससुराल पक्ष कहता था कि अकेली क्यों बैठी है, देखो बहू अकेली बैठी हुई है, कोई उसके पास जाओ। और एक और संदेश है कि मेरी काम वाली इसी समय आती है जब कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम चलता है और बोलती भी बहुत है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये प्रोग्राम अकेले में ही अच्छा लगता है। हाँ, ये कई बार व्यवधान बुरे लगते हैं कुछ कामों के बीच में। एक और संदेश है, निजता यानी कि खुद के लिए स्वतंत्र वक्त, अंग्रेजी में प्राइवेसी। निजता जरूरी जरूर ही जरूरी बात है लेकिन उसकी भी कोई सीमा है, उसके लाभ हैं, गुण हैं तो अकेलेपन, आत्ममग्नता जैसे दोष भी हैं। समुदाय से जुड़े रहने से सहकार्य, स्नेह, आनंद, भाईचारा इत्यादि अच्छे लाभ होते हैं। जीवन में सामाजिकता और निजता का सुवर्ण मध्य निकले तो कौटुंबिक सामाजिक स्वास्थ्य बेहतर बन जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, कोई बीच का रास्ता तो निकलना ही चाहिए। एक और संदेश है कि संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है पर जब वो परिवार में आ जाए तो सुखद नहीं होता, खासकर भारतीय समाज में। यहाँ तो हमें अपने सुख दुख दूसरे से बांटने में ही खुशी मिलती है। परिवार के सदस्य जब साथ बैठकर एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं तब बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान किसी न किसी रूप में निकल ही आता है। निजता उतनी ही हम अपने परिवार में रखते हैं जितनी मर्यादा के अंतर्गत होती है, बाकी सब तो साझा ही रहता है। बहुत हुआ तो यही कहते हैं, अरे यार थोड़ी देर तक अकेले रहने दो। हाँ, ये बात कही जा सकती है कि कुछ देर कभी कोई अकेला बैठना चाहता है लेकिन अकेला बैठना थोड़ी ही देर रहे, अगर ज़्यादा देर रहता है तो कई बार नुकसान भी होता है और फायदे भी होते हैं। चलिए अब इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये फिल्म कौन सी है। नहीं 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 नहीं, किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू, तुझे दिल की बात बता दूं। नहीं 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 नहीं, किसी को बता देगी तू, Thank you.
किसी दिन दगा देगी तू, कहानी बना देगी तू। मुझे दिल की बात बता दूं, नहीं 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 किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू। किसी का खत पढ़ लेना भी निजता का हनन होता है, और यही डर होता है कि लोग निजता पर ज्यादा जोर देते हैं कि कहीं कोई उनके बारे में जान ना ले। इस बारे में हमारे एक साथी का संदेश है, तुम्हें मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूँ। उस शेर को उन्होंने साझा किया है अपने संदेश में और लिखते हैं कि निजता जब परिवार के सदस्यों के बीच ज्यादा आ जाती है तब सुखद नहीं रहती, बल्कि आपसी कलह का कारण भी बनती है। सोशल मीडिया पर आपकी निजता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पारिवारिक संबंधों में निजता की सीमा उसके विषय के अनुसार होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अरे सवाल का जवाब तो हमें बताना है ना। हमारे साथियों ने बताया, मैं सुंदर हूँ फिल्म का ये गाना था, लीना चंद्रावरकर और महमूद इसमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे। तो अब अगर संदेशों की बात करें तो एक और साथी ने लिखा है कि सोशल मीडिया की ही बात इन्होंने कही है कि सोशल मीडिया पर आपकी निजता बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पारिवारिक संबंधों में निजता की एक सीमा होनी चाहिए। और एक और संदेश में कहा है कि मेरे ख्याल से अपराध बोध ही निजता की अवधारणा को पैदा करता है। ऐसा कृत्य जिसके जाहिर होने से किसी को सामाजिक भय होता हो तो उसे निजता के अधिकार की पैरवी करने के बजाय ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए जो समाज में अस्वीकार्य हों। और एक और संदेश है कि बदलते युग की बदली तस्वीर में आधी दुनिया ने सबसे अधिक किसी चीज को अगर अहमियत दी है तो वो यही एक शब्द है, प्राइवेसी, या फिर सीधे शब्दों में कहा जाए तो आज़ादी। अपने बचपन की याद करूं तो मुझे प्राइवेसी चाहिए ऐसा कोई शब्द अपने माँ पिता के सामने कहने का साहस जुटाना बड़ी असंभव सी बात थी। आजकल ये शब्द बहुत आम हो गया है और हर बच्चे को निजता चाहिए। आज़ादी के बहुत से मतलब हैं, थोड़ी सी निजता तो हर एक के लिए ज़रूरी होती है। निजता का मतलब कुछ समय अपने आप को दें, कुछ नया सोचें, कुछ अच्छा विचारें। आज़ाद होने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि हमारे सीमाएं नहीं रहीं या हम अनियंत्रित हो जाएं। बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। वाकई निजता जो कभी एक ऐसा लगता था कि जैसे एक दूर की बात लगती थी, वो आज इतनी ज़्यादा सामान्य हो चुकी है और
आसपास इतना ज्यादा सुनाई देता है कि कभी कभी आश्चर्य भी होता है, लेकिन कुछ बातों के लिए ही निजता बेहद जरूरी है। एक और संदेश में कहा है कि देखा जाए तो ये सब आजादी के पर्यायवाची ही हैं, स्वतंत्रता या स्वच्छंदता या निजता। थोड़ी सी प्राइवेसी तो होना ही चाहिए, लेकिन आजकल एकल परिवार ज्यादा हो गए हैं तो सभी लोग कुछ भी करने के लिए आजाद हैं। पहले का दौर अलग ही था जब सब लोग साथ में रहते थे। मेरे हिसाब से निजता या आजादी तो हो, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब गाने की तरफ बढ़ा जाए। इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और संगीत किसका है। छोटा सा घर अपना, छोटा सा घर अपना, अपने जीवन का सपना, ये टूट ना जाए सजना, ये टूट ना जाए सजना। हमारे एक साथी ने कहा है कि हर इंसान चाहता है पूरी आजादी, कोई भी काम करना चाहता है पूरी आजादी के संग, ना कोई बंधन ना कोई रोक टोक। मगर जिंदगी में जो किसी बंधन में बंधे हुए नहीं होते, उनकी मंजिल हमेशा भटक जाया करती है। आजादी से रहते हुए भी कोई ना कोई नियम जरूर होना चाहिए। जिस तरह नाव को मंजिल तक पहुंचाने में पतवार काम करती है, अगर पतवार ना हो तो नाव किसी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगी। जीवन में संयमित जीवन के लिए नियम जरूर निर्धारित करें। बिल्कुल सही बात कही आपने। एक और संदेश है कि हमारा कोई भी कार्य हो, चाहे पढ़ना या कोई नौकरी, वहाँ निजता आवश्यक होती है। अगर हमारे कोई भी कार्य में हस्तक्षेप कुछ हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे उस कार्य से ध्यान हट जाता है। फिर वो कार्य ठीक तरह से ना होने पर हमें आगे बढ़ने में मुश्किल होती है। कुछ हद तक निजता हो तब तक ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए हम किसी की स्वतंत्रता छीन नहीं सकते। एक और संदेश है कि पहले की बात करें तो निजता रहती ही कहाँ थी। बड़े परिवार मिलजुल के काम करना और बातें करना, नई दुल्हन को भी अपने पति से बात करने के लिए रात का इंतजार रहता था, पर अब ऐसा नहीं है। कुछ बातें पहले की ज्यादा अच्छी थी, किसी को
कभी भी दुख तकलीफ में अकेला छोड़ा ही नहीं जाता था और खुशी भी सबके साथ बांटी जाती थी। अब वो बातें नहीं है, थोड़ी निष्ठा अच्छी है, पर मजा तो सबके साथ है। सबके साथ ही तो है, तभी तो कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम सभी इतने आनंद के साथ ये सफर तय करते हैं और पता भी नहीं चलता कि अरे हमें अभी सवाल का जवाब भी तो बताना है जो हमारे साथियों ने दिया है। तो भाई चरित्रहीन फिल्म का ये गाना भी आपने सुना था। हमारे बहुत सारे साथियों ने दो ही नाम लिखे हैं इसमें, शर्मिला टैगोर और योगिता बाली दोनों थी, साथ में थे संजीव कुमार। तो अब चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये आवाजें किनकी हैं और फिल्म कौन सी है। रात की फिल्म का ये गाना हमारे साथियों के जवाब मिले, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें थीं इस गाने में। अब अगला गाना जो हमने चुना है उस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये स्क्रीन पर पर्दे पर कौन गा रहा है और फिल्म कौन सी है। जब अपने हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, जब अपने हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, जब दिल टूटे तो रोए क्यों, जब दिल टूटे तो रोए क्यों, हम गाए क्यों नहीं, हम नाचे क्यों नहीं, जब अपने हो जाए बेवफा तो दिल टूटे। Thank you.
अपने हो जाए बेवफा तो दिल टूटे। जवाब हमारे साथियों के तुरंत आए। सौतन फिल्म का नाम, टीना मुनीम, राजेश खन्ना, पद्मिनी कोल्हापुरे का भी नाम लिखा है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि गीत सावन कुमार का था और संगीत उषा खन्ना का। वाकई कितने सारी जानकारियां एक साथ हमारे साथी साझा करते हैं इस कार्यक्रम को सुनते हुए। चलिए अब इस गाने को सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है, कौन किन कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है। अपने दिल से बड़ी दुश्मनी की, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की। अपने दिल से बड़ी दुश्मनी की, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की। अपने दिल को जला के रोशनी किस लिए मैंने तुमसे दोस्ती की। अपने दिल को जला के रोशनी किस लिए मैंने तुमसे दोस्ती की। अपने दिल से बड़ी दुश्मनी की, किस लिए मैंने तुमसे दोस्ती की। अपने
तुमने अच्छा सहारा दिया, बेसहारा मुझे कर दिया, कल गले से लगाया मुझे, आज ठुकरा दिया बेवफा, आज ठुकरा दिया बेवफा। तुमने अच्छी सनम दिल की, किस लिए मैंने तुमसे दोस्ती की, अपने दिल से बड़ी दुश्मनी की, किस लिए मैंने तुमसे दोस्ती की। बेताब फिल्म का गाना शब्बीर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ें और हमारे साथियों ने बताया सनी देओल और अमृता सिंह पर फिल्माया गया ये गाना। एक संदेश है, आजकल अपना मोबाइल भी सब लॉक रखते हैं अपनी निजता रखने के लिए, ये ज़रूरी भी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपने लिए और अपने सुकून के लिए होती हैं, हर जगह दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और साथी का संदेश है कि किसी व्यक्ति या बैंक अकाउंट या मोबाइल संदेश चेक करना भी निजता के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ये तो है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नितांत निजी होती हैं, लेकिन इनको छूना भी या इनके इस सीमा के अंदर प्रवेश करना भी गलत है। ये तो निजता, इतनी निजता सबके पास होनी चाहिए। चलिए अब जो दूसरा गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इस गाने के बाद, बेताब फिल्म के गाने के बाद, उसे सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है। तुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया, कब से बाहें फैलाती है तेरी दुनिया, तुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया। Thank you.
सपने भी यहाँ बेनूर हैं, जो है तेरे वो तुझसे दूर हैं। इस दुनिया में तेरा कौन है, इस दुनिया में तेरा कौन है, ये सोच के घबरा जाती है तेरी दुनिया, तुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया। नजरों से गिरा देंगे सभी, दो दिन में भुला देंगे सभी, बरसेंगे न बादल धूल के, बरसेंगे न बादल धूल के, रो रो के यही समझाती है तेरी दुनिया, तुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया। वहाँ छोटे बड़े सब एक से, नहीं कोई जो तेरे दुख पे हंसे, वहाँ रिश्ते न होंगे झूठ के, वहाँ रिश्ते न होंगे झूठ के, सबको सीने से लगाती है तेरी दुनिया, तुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया। फिल्म पतिता का ये गाना तलत महमूद की आवाज, सभी साथियों के जवाबों के लिए शुक्रिया। अब ये गाना सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, टूटी है दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे, बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, टूटी है दिल जमाने के लिए, अपने लिए दिए तो क्या दिए। सही जवाब हम तक पहुंच चुके हैं। बादल फिल्म का गाना, मन्ना डे की आवाज और जावेद अख्तर के बोल, उषा खन्ना का संगीत भी हमारे साथियों ने बताया, और साथ ही ये बताया कि संजीव कुमार इस फिल्म में थे। इतनी दिलचस्पी के साथ कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है।
तो लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।